जय भीम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि प्राचीन वैदिक आर्य समाज में जो वैदिक आर्य लोग थे, पुरुष थे, वो अपनी पत्नी एवं बेटियों को बेचा करते थे, सेल किया करते थे। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने बाबा साहब अंबेडकर की बुक रिडल्स इन हिंदुइज्म को खोल लिया है और चलते हैं हम उसके पार्ट थर्ड पॉलिटिकल में। और पार्ट थर्ड पॉलिटिकल में जो रिडल नंबर 23 है, कलियुगा व्हाई हैव द ब्राह्मिन्स मैरिड अनएंडिंग, हम चलते हैं इस रिडल नंबर 23 के अंदर। तो फ्रेंड्स, आगे हम रिडल नंबर 23 में, अब हम चलते हैं उस पर्टिकुलर पैरा में जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। फ्रेंड्स, आगे हम उस पर्टिकुलर पैरा में जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। बाबा साहब कहते हैं द एंशियंट आर्यन वुमेन वर सोल्ड, प्राचीन आर्य महिला सोल्ड बेची जाती थी। द सेल ऑफ डॉटर्स इज एविडेंस्ड बाय द अर्शा फॉर्म ऑफ मैरिज। ठीक है, जो बेटियों की सेल है, बेचना, बेटियों को बेचना, वो अर्शा फॉर्म ऑफ मैरिज से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल टर्म्स यूज्ड, द फादर ऑफ द बॉय गेव गो मिथुना एंड टुक द गर्ल। ठीक है, जो लड़के का बाप होता है वो गो मिथुना देता है और लड़की को ले जाता है अपने बेटे के लिए। दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग दैट द गर्ल वाज सोल्ड फॉर ए गो मिथुना। अब गो मिथुना क्या है? गो मिथुना मीन्स वन काउ एंड वन बुल। गो मतलब वन काउ, मिथुना मीन्स वन बुल, विच वॉज रिगार्डेड एज ए रीजनेबल प्राइस ऑफ ए गर्ल। मतलब एक गाय और एक बुल सफिशियंट थे किसी लड़की को परचेज करने के लिए। आगे बाबा साहब कहते हैं कि नॉट ओनली डॉटर्स वर सोल्ड बाय देयर फादर्स बट वाइव्स आल्सो वर सोल्ड बाय देयर हस्बैंड्स। मतलब जो पत्नियां हैं ना, वो भी बेची जाती थी हस्बैंड्स के द्वारा, वैदिक आर्यन हस्बैंड के द्वारा। द हरिवंशा इन द 79th अध्याय, 79th चैप्टर ऑफ हरिवंशा में डिस्क्राइब होता है कि एक रिलीजियस राइट कॉल्ड पुण्य का व्रता शुड बी द फी दैट शुड बी ऑफर्ड टू द ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट। इस हरिवंशा के अंदर 79 चैप्टर के अंदर एक रिलीजियस राइट बताया गया है, रिचुअल बताया गया है, जिसका नाम है पुण्य का व्रता। उसके अंदर क्या होता है कि जो पुजारी, जो ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट है, मतलब जो ब्राह्मण जो कि पुजारी है, जो पूजा करवा रहा है, ठीक है, उसको फीस दी जाती थी और फीस में उसको जो ब्राह्मण्स हैं वो अपनी पत्नियां देते थे। इट सेज दैट द वाइव्स ऑफ ब्राह्मण्स शुड बी परचेज्ड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड गिवन टू द ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट एज इज फी। ठीक है, तो मतलब पुण्य का व्रता शुड बी द फी दैट शुड बी ऑफर्ड टू द ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट। अब इसमें और इससे बिल्कुल हमें क्लियरली पता लगता है कि जो ब्राह्मण है वो फ्रीली सोल्ड देयर वाइव्स फॉर ए कंसिडरेशन, है ना, मतलब ना फ्री में ही अपनी वाइफ को वो ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट को सेल कर देते थे। ठीक है, एक बार इस चीज को दोबारा से रिपीट करें तो हरिवंशा 79 चैप्टर, उसमें एक रिलीजियस राइट, एक संस्कार है, धार्मिक संस्कार, पुण्य का व्रता, उसको जो पुजारी कराता है उस पुजारी को फीस देनी पड़ती है और उस पुजारी की फीस होती है कि ब्राह्मणों की पत्नियां उसको देना। तो जो भी यजमान हैं, जो उस पूजा को करवाते हैं, वो ब्राह्मणों से उनकी पत्नियों को परचेज करते हैं और फिर उस पुजारी को देते हैं। और फिर ब्राह्मण उसकी कोई प्राइस भी नहीं लेते, वो अपनी वाइफ्स को फ्री में ही सेल कर देते हैं उस पर्टिकुलर पुजारी के लिए, उस पर्टिकुलर पूजा के अंदर। तो फ्रेंड्स, इससे हमें ये पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि वैदिक आर्यन सोसाइटी के अंदर, वैदिक आर्य समाज के अंदर जो वैदिक लोग थे अपनी बेटियों को और अपनी पत्नियों को सेल किया करते थे, बेचा करते थे, ऐसा बाबा साहब का कहना है यहाँ पर इस रिडल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।